हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बना रही भिंडी की सब्ज़ी, जो बिल्कुल ही अलग बनती है। अगर आप भिंडी बना बना के थक चुके हैं, खा खा के थक चुके हैं, तो आप ये वाली भिंडी ज़रूर ट्राई करें। ये बिल्कुल ही अलग से सब्ज़ी बनती है। तो मैंने 250 ग्राम भिंडी लिया है और भिंडी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद इसको अच्छे से सुखा लिया, और आगे पीछे का जो इसका हिस्सा था वो मैंने कट कर लिया है। और अभी सारी भिंडी को मैं बीच में से चीरा लगा लूँगी। और ये देखिए, मैंने सारी भिंडी को बीच में से चीरा लगा लिया। और अब इसके अंदर हम मसाले की तैयारी करते हैं। तो मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी लिया है, और 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, और 2 चम्मच मैंने आमचूर पाउडर लिया है, और 1 स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल लेंगे। तो मैंने 1 चम्मच नमक डाला है इसके अंदर। और हमें इसके अलावा कोई भी मसाला नहीं चाहिए, हम बस इसी मसाले से पूरी सब्ज़ी बनाएंगे। और हम इसके अंदर नींबू नहीं डाल लेंगे, इसलिए हमने आमचूर पाउडर ही लिया है। तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले को। और अभी इसके अंदर 2 से 3 सरसों के तेल की बूंद डाल लूँगी, और इसको मैं अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। क्योंकि जब हम भिंडी के अंदर ये मसाला भरेंगे तो ये बिखरेगा नहीं, अच्छे से चिपक जाएगा। तो अभी मैंने मसाला बिल्कुल रेडी कर लिया है, अब इसको भिंडी के अंदर भरते हैं। तो मसाला हमें बिल्कुल ही थोड़ा मसाला डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसके अंदर भरना है, ज़्यादा नहीं भरना है। क्योंकि इसी जो बचा हुआ मसाला है उसी से हम ग्रेवी में डालेंगे। तो मैंने सारी भिंडी को ऐसे मसाला भर के तैयार कर लिया है, और आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल ही कम मसाला इसके अंदर डाल रही हूँ। और अभी इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। जो बड़ी भिंडी है उनको हम बीच में से कट करेंगे, और अगर छोटी भिंडी है तो उन्हें हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो बड़ी भिंडी है वही अच्छी लगती है, थोड़ी बड़ी भिंडी होनी चाहिए। और अभी मैंने सारी भिंडी को कट कर लिया है, अब इसको हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने 1 चम्मच तेल लिया है, बड़े वाला। और अभी इसको भिंडी को अच्छे से तेल के अंदर मिक्स कर लेंगे, और इसको ज़्यादा हमें हिलाना नहीं है, नहीं तो जो मसाला है वो हमारा बाहर निकल जाएगा। बस बिल्कुल ही डाल के और थोड़ा सा मिक्स करके तेल इसको साइड में रख दे, मतलब धीरे धीरे पकने देना है। और 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी भिंडी बिल्कुल बनकर तैयार है। अभी ये भुन चुकी है, इनको हम अभी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। आप चाहे तो झारा के अंदर भी निकाल सकते हैं, उससे तेल अच्छे से निकल जाता है। और जो तेल बचा है उसी तेल के अंदर मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। इसके लिए अलग से तेल लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी तेल में हमारा पूरी भिंडी बनकर तैयार हो जाती है। तो मैंने लिया है छोटा सा तेज़पत्ता और 2 लौंग, और छोटा सा ही मैंने दालचीनी लिया है, और इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया। और इस सब को भूनने के बाद अभी मैंने मीडियम साइज प्याज लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। हरी मिर्च आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर आपको कम मसाला पसंद है, कम तीखा पसंद है, तो आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। और अभी मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया, और अभी मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर तैयार कर रखा था, वो भी इसके अंदर मैं डाल दूंगी, उसको भी मैं अच्छे से भून लूंगी। मैंने 5 से 6 लहसुन की कली लिया था और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। और अभी हमारा लहसुन और अदरक भी पक चुका है, तो इसके अंदर जो पिसा हुआ टमाटर मैंने रखा था उसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छे से पका लूँगी, जब तक ये तेल छोड़ने ना लगे। ये देखिए तेल छोड़ने लग गया है,
उसी के अंदर मैंने जो बचा हुआ मसाला था वो ऐड कर दिया और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे एक मिनट के लिए। और हमें मसाला भी हमारा बिल्कुल बन चुका पक चुका है। इसके अंदर जो मैंने दही रखा था वो दही को भी मैंने फेंट कर इसके अंदर डाल देंगे और बिल्कुल ही गैस हमें धीमी रखनी है, नहीं तो जो दही है हमारा वो फटने का चांस रहता है। अगर हम धीमे गैस रखेंगे तो दही हमारा फटेगा नहीं और ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। और देखिए दही भी हमारा अच्छे से पक चुका है, तेल इसके ऊपर आ चुका है। और अभी इसके अंदर हम भिंडी है वो डाल देंगे। और दोस्तों ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। अगर बच्चे भिंडी खा खा के पक चुके हैं तो आप ये ज़रूर ये सब्ज़ी ट्राई करें, ये वाली भिंडी ज़रूर बनाएं। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी मैंने इसके अंदर धनिया भी डाल दिया। तो दोस्तों मेरी भिंडी कैसे लगी चेक करके ज़रूर बताएं। देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।